अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कराची हलवा रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी बनेगा, एक बार ज़रूर ट्राई करना आप लोग। इसे देखिए कितना अच्छा से लग रहा है। ये 1 कप कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने, इसमें 1/2 ग्लास वाटर ऐड करके इसे पतला सा घोल बना लेना है हमें। इसका इस तरह से पतला सा घोल बना लेंगे हम। इस तरह कढ़ाई लिया है मैंने, कढ़ाई में 1/2 ग्लास वाटर ऐड करेंगे हम। इसी के साथ ऐड कर देंगे 1 कप शुगर। हमें इसे एक तार की चाशनी बनानी है। वन स्पून लेमन जूस ऐड किया है मैंने इसके अंदर। देखिए इस तरह से चाशनी बन चुकी है। जो हमने कॉर्नफ्लावर का घोल बनाया था उसे इस तरह से ऐड करते हुए अच्छे से मिक्स करना है हमें। गैस को लो ही रखना है हमें। स्ट्रॉबेरी फूड कलर ऐड कर रही हूँ मैंने। इस तरह से मिक्स करते ही जाना है हमें। अच्छे से मिक्स करते जाना है। इसके अंदर हम 2 स्पून घी ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स करना है हम। देखिए इस तरह से मिक्स करते ही जाना है हमें इसके अंदर। कुछ पम्पकिन सीड्स ऐड किए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर से 1 स्पून घी ऐड करेंगे हम। इस तरह से घी ऐड करते जाना है, मिक्स करते जाना है हमें इसे। वेनिला एसेंस ऐड किया है 2 ड्रॉप। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से मिक्स करते जाना है। फिर से मैंने 1 स्पून घी ऐड किया है, टोटली 6 स्पून घी ऐड किया है इसके अंदर। अच्छे से शाइनिंग आ चुकी है इसे। अच्छे से कुक हो चुका है ये। अब गैस को हम ऑफ कर लेंगे। केक वाला टेन लिया है मैंने, इसको घी से ग्रीस कर लिया है। इस तरह से क्लीन कर लेंगे इसे। इस तरह से कर हम इसे कुछ बादाम ऐड करेंगे इसके ऊपर से। ठंडा होने के लिए रखेंगे इसे 1 आवर के लिए। ये ठंडा हो चुका है, देखिए कितने अच्छे से सेट हो चुका है ये। अब इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है मैंने। देखिए कितना अच्छे से बना है ये कराची हलवा। बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगा, एक बार ज़रूर ट्राई करना आप लोग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत ही अच्छा बनेगा, देखिए कितना किस तरह से। बच्चों को बहुत पसंद आएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करना। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।